सबको गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी ऑर्गेनिक का नॉमिनिक्लेचर टेस्ट लिए और नॉमिनिक्लेचर टेस्ट में 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया इसकी जांच होगी। और ये जो आउट ऑफ 100% 100 में 100 लाएगा उसे पुरस्कृत भी करेंगे। तो 20 क्वेश्चन आप देखेंगे, टाइम हम कितने देर में लिखते हैं क्वेश्चन को, आप कितना समय लगाए लिखने में, ये कंपेरिजन होगा। और एक एक करके क्वेश्चन बोलेंगे और कोशिश करेंगे आप बढ़िया से मिलाएंगे और देखते हैं कि कौन सबसे बेहतर करता है। और आज जो नॉमिनिक्लेचर का टेस्ट हुआ है वो लगभग 1900 नाम में 20 क्वेश्चन दिए और 20 में 20 सही करना था। देखते हैं कितना बच्चा अच्छा किया है। पहला क्वेश्चन बोलिए, पेंटाइल एसिटिलीन C7H12, पेंटेनल C4H9CHO, पेंटेनल का पेंटेनॉल C5H11OH, पेंटीन C5, पेंटीन है ठीक है, C5H10, हाँ पेंटल डिहाइड C5H11CHO, एक मिनट, पेंटल डिहाइड है ना C4H9CHO, हाँ क्लोरोपेंटेन C5H11Cl, पेंटेनोइक एसिड, बाकी लोग कॉपी में देखिए करेक्शन करते रहिए, पेंटेनोइक एसिड ना C4H9COOH, C5H11Br, पेंटाइल C5H11, नाइट्रोपेंटेन C5H11NO2, नंबर सही है ना 10 तक, 11 अल्कीन CNH2N, एसीटामाइड CH3CONH2, इथाइन C2, इथाइल इथाइल का C2H5, हाँ पेंटाइल ब्यूटेनामाइड C5H11 ब्यूटेनामाइड है ना, ब्यूटेनामाइड, क्वेश्चन सही से बोलो, पेंटाइल ब्यूटेनामाइड, पेंटाइल C5H11NH C4H9, हाँ आगे पेंटाइल ब्यूटेनामाइड, पेंटाइल एमाइन है ना, वही हम कंफ्यूज कर रहे थे, आप एमाइड बोल रहे हैं, एमाइन है, एमाइन है, पेंटाइल ब्यूटेनामाइन होता है, एमाइड में नहीं होता है, एमाइड में सिंगल ग्रुप लगता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ प्रोपाइल हेप्टाइल इथेनामाइन, प्रोपाइल हेप्टाइल इथेनामाइन, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोपाइल सबसे ऊपर लिखना होता है, उसके बाद हेप्टाइल, हेप्टाइल C6 हेप्टाइल है ना C7H15, हाँ C2H5, थोड़ा ध्यान देंगे आप। अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, कितना 15, थोड़ा और नीचे इसको कर लेते हैं, हाँ बोलिए बाबू आगे, 16 नंबर में सेकेंडरी एमाइन का सिर्फ NH, इथर का O, अल्काइल का CNH2N+1, प्रोपेन का C3H8, प्रोपीन C3H6, C2H6, क्लियर। तो 20 क्वेश्चन आप देखें कि अगर आपके क्वेश्चन बोलने के बाद कितना जल्दी हम लिखे, अगर सही से काउंट करेंगे तो 20 से 30 सेकेंड, कितना 20 से 30 सेकेंड। देखते हैं फाइनल रिजल्ट किसका होता है, 20 में 20, उतने सारे नाम में 20 क्वेश्चन का आंसर करना था और हम देखते हैं कौन बढ़िया कर पाते हैं। तो अब परिणाम का समय है और परिणाम आ चुका है, जिसमें जो विद्यार्थी 20 में 20 लाया है, रोल नंबर 116, आ जाइए, क्या नाम है आपका, हाँ चलिए बढ़िया बधाई।
आप बढ़िया मेहनत करें, उतना सारा नाम में 20 में 20 लाना सामान्य विद्यार्थियों की बस की बात नहीं है, लेकिन आपने बढ़िया किया, मेहनत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। रोल नंबर 75 श्रित, सॉरी 75, क्या नाम है? शिखा केसरी। शिखा केसरी, आपका भी 20 में 20 आया है। रोल नंबर 85, आपका भी 20 में 20 आया है, बहुत खुश रहिए पिन। ये तीन विद्यार्थी 20 में 20 मतलब 100%, और जो 95% लाए हैं सेकेंड मतलब 19 नंबर, उसमें रोल नंबर 133, आपका एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कहाँ हुआ है? हाँ, पेंटेन में, ठीक है, आपने पेंटेन का सही फार्मूला लिखा, लेकिन क्वेश्चन बोलने समय आपने क्वेश्चन को गलत लिखा। अगर क्वेश्चन सही लिखते तो बिल्कुल 20 में 20 आता, आप 4 नंबर में पेंटेन लिखे और पेंटेन का ही फार्मूला लिखे, जबकि पेंटेनल लिखना था। तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया है। रोल नंबर 117, तीन विद्यार्थी थर्ड हैं 18 नंबर के साथ, 90% के साथ। रोल नंबर 117 आपका 90% है, क्या नाम है? वेरी गुड। रोल नंबर 77, रोल नंबर 77, आप भी 90% लाए हैं, क्या नाम है? सुप्रिया कुमारी, वेरी गुड। और रोल नंबर 12 अलंकार, आपका भी 90% है। इन सभी विद्यार्थियों के लिए आप ताली बजाएंगे, और एक लाइन में कहना चाहेंगे कि ये टेस्ट है जो बतलाता है कि हम कितना बेहतर करें और हमारी कितनी तैयारी है। और जिसका भी कम नंबर आया घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिवंश राय बच्चन कहे थे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेस्ट में भाग लिया और बेहतर किया।